पौड़ी जिले में स्थित मां ज्वाला देवी की महत्वता भक्तों के लिए हर नवरात्र में और अधिक बढ़ जाती है। मंदिर में सदैव जलने वाली मंदिर की अखंड ज्योत भक्तों के मन में मां के प्रति सच्ची आस्था भर देती है। वहीं स्कंद पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि इस मंदिर में दैत्य राज की पुत्री देवी शची ने देवराज इंद्र को पाने के लिए यहाँ माँ भगवती की आराधना की थी। तब से माँ भगवती की कृपा यहाँ पहुंचने वाले भक्तों में बरसाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और मैं यहाँ पर माँ ज्वालपा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप भी माँ ज्वालपा के दर्शन करके मनोकामना पूर्ण करें और माँ भगवती सबको इच्छित फल प्रदान करें। माँ भगवती की जय। नवरात्रि का पर्व सभी को सुख देने वाला है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। और जैसे आज से ये नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है हमारा, आज से हमारा नया वर्ष शुरू हो चुका है हिंदू धर्म में। तो हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और सभी भक्तों से मैं निवेदन करती हूँ कि माता का आशीर्वाद यहाँ पे लेने आए, माँ ज्वालपा सभी की रक्षा करे और सब पे अपनी कृपा। धन्यवाद। मेरा नाम प्रीति कुलासारी, नगर सोशल मीडिया कोटद्वार। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएँ, बधाई और सबके मंगल की कामना करता हूँ। और माँ ज्वालपा से प्रार्थना करता हूँ कि आज ही नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है और हम सब मिलके माँ के अर्चन पूजन करेंगे और आप सबके कल्याण की हम कामना करते हैं। माँ भगवती, जो भक्त उसके निमित्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा हमारा कामना है। दूसरा, आज से यहाँ पूजा पाठ यज्ञ और अनुष्ठान होगा।